भरतपुर के बैना में 5 अक्टूबर सुबह 7 बजे पानी टंकी पर चढ़े 11 अभ्यर्थियों को दोपहर 2 बजे उतार लिया गया। इनमें 2 महिला अभ्यर्थी भी शामिल थी। ये सभी रेट भर्ती 2018 में मोस्ट बैकवर्ड क्लास MBC वर्ग के 372 पदों पर नियुक्ति की मांग कर रहे थे। अभ्यर्थी जब तक बयाना में कुंडा टैग स्थित पानी टंकी पर चढ़े रहे तब तक प्रशासन की सांसें अटकी रही। अभ्यर्थियों के टंकी पर चढ़ने की सूचना के बाद सुबह 8 बजे STRF टीम मौके पर पहुंची और टंकी के चारों ओर सुरक्षा जाल लगा दिया। आखिर प्रशासनिक अधिकारियों के आश्वासन पर सभी सकुशल टंकी से नीचे उतर आए। नियुक्ति की मांग को लेकर जब MBC वर्ग के ये अभ्यर्थी टंकी पर चढ़े तो गुजर नेताओं का प्रतिनिधिमंडल पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से मिला। इसके बाद गुजर नेता और पुलिस प्रशासन के अधिकारी टंकी पर पहुंचे और अभ्यर्थियों को सकारात्मक पहल का आश्वासन दिया। दरअसल इस पूरे मामले पर अभ्यर्थियों ने बताया, रेट भर्ती 2018 में MBC वर्ग के लिए 372 पद रिजर्व रखे गए थे। साल 2020 में गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति और राज्य सरकार के बीच समझौता हुआ था। इसमें शेष 4% आरक्षण के हिसाब से 372 पदों पर MBC वर्ग के अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की सहमति बनी थी और इसके साथ ही 7 दिन में नियुक्ति देने का वादा किया था। वही इस पूरे मामले पर पुलिस का कहना है, जलदाय विभाग की रिपोर्ट पर टंकी पर चढ़े अभ्यर्थियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा।